हेलो गाइज, तो मैं हूं नरू और आप देख रहे हो ग्रेट यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने आइसक्रीम कार्ट विथ रोबोट, अब गाड़ी भी कह सकते हैं, तो गाइज विथ रोबोट बनाया है, जो कि गाइज कहते ही गजब वर्क करता है। और गाइज इसको मैंने सिंपल मेथड से बनाया, तो छोटी सी टेस्टिंग देखो। और गाइज चलो इसको फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो गाइज इसको बनाने के लिए मैंने थर्मास के कुछ पीस मेजरमेंट के साथ कट किए हैं, तो आपको मेजरमेंट देखने के लिए स्टॉप वीडियो करना पड़ेगा, तो स्टॉप करके देखो। और गाइज एक एक पीस मैं आपको दिखा देते हो, दो दो पीस कट कर लेने हैं। और गाइज इसमें से एक पीस की हमें ज़रूरत पड़ेगी थी, लेकिन मैं दो आपको दिखा रहा हूँ, एक ही पीस काफ़ी है। तो फिर गाइज चलो मैं फटाफट से इसका कार्ट बना लेता हूँ, मतलब बॉक्स बना लेता हूँ। और तब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। और गाइज माना कि थोड़ी वीडियो लेट आ चुकी है, लेकिन कहीं कर सकते हैं हम, हमारे यहाँ बारिश इतनी हो रही थी, कहीं बोले आज थोड़ी बार मतलब रुक गई है, लाइट भी नहीं थी गाइज, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो यार, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो चलो गाइज मैं फटाफट से इसका कार्ट बना लेता हूँ, तब तक आप क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो देखो। तो देख लो गाइज कार्ट मतलब बॉक्स बन चुका है, तो गाइज इसको थोड़ा फिनिशिंग दे देना है। और फिनिशिंग देने के बाद देख लो गाइज इस तरीके के मैंने जो हमारा नोटबुक होता है उसके जो ऊपर का कवर होता है उसको मैंने कट करके इस तरीके का शेप मतलब पार्ट बनाया है। तो इसको हम इसके ऊपर चिपकाएंगे तो गाइज बहुत मस्त दिखेगा। तो चलो गाइज मैं इसको फटाक से चिपका देता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ। तो देख लो गाइज किस तरीके से अब मस्त लग रहा है। तो चलो अब गाइज इस कार्ट को मतलब इस बॉक्स को लगा देते हैं व्हील मतलब पैर, तब ये चलेगा ना भाई। तो चलो गाइज इसको मैंने थोड़ा हाइट देने के लिए यहाँ पर एक पीस कट करके लगाया थर्मास का, और इसके ऊपर जो हमने बॉटल कैप के मदद से सिंपल तरीके से बनाया उसको लगा दिया है। तो आप भी देखकर आसानी से बना सकते हो। फिर गाइज आगे का हम एक ही व्हील लगा लें, मतलब थ्री व्हीलर बनाने वाले हैं। तो देख लो गाइज जिस तरीके से दो कैप का मैंने यूज़ करके इसको बनाया, तो आप देखकर आसानी से बना सकते हो। फिर गाइज इसको आगे में ऐसा लगा लेना है, चिपका दिया तो भी चलेगा, नहीं चिपकाया तो भी गाइज चलेगा, इसमें क्या लोड डाल के हमें थोड़ी चलाना है। तो फिर गाइज ये हमारा कार्ड बनकर रेडी हो चुका है। तो फिर गाइज हमें लेना है गियर मोटर। तो फिर गाइज मैंने MDF बोर्ड के इस तरीके का कुछ पीस कट कर लिया है, जिसकी की मेजरमेंट आपको दिख ही रही है। तो इसी तरीके से पीस आपको कट कर लेना है, आप गाइज PVC शीट का भी यूज़ कर सकते हो। तो फिर गाइज इस तरीके की PVC शीट से मैंने दो पार्ट कट किया, तो आप देखकर आसानी से कट कर सकते हो। फिर गाइज रिफिल और साइकिल के स्पोक की मदद से मैंने छोटे छोटे इस तरीके के पीस कट कर लिए हैं। और गाइज आप यही गियर मोटर ले गए तो गाइज इसमें होल होते हैं, उसमें होल को लगा देना है। और फिर गाइज जो हमने PVC शीट आपको दिखाई दे गोल कट किया था उसको गाइज फिर लेना है, और लेने के बाद दो छोटे से जो रिफिल होते हैं उसके पीस कट कर लेने हैं, और गाइज इसके होल में लगा देने हैं। और लगाने के बाद इनको भी टाइट चिपका देना है फैब्रिक से चिपकाने का, क्योंकि लोड आने वाला है। तो फिर गाइज इसको अच्छी तरीके से चिपका देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको और मेरे को भी। और फिर गाइज इनको इस गियर मोटर में लगा देना है। तो गाइज आपको पता ही होगा साइकिल की पैंडल जैसे एक आगे मतलब एक ऊपर एक नीचे रहता है, उसी तरीके से इसको चिपका देना है। तो देख लो गाइज एक ऊपर एक नीचे इस तरीके से चिपका देना है, तभी हमारा अच्छी तरीके से वर्क करेगा। और फिर गाइज हम इसको चलो पैर लगा देते हैं। तो इस तरीके से आपको भी चिपका देना है दोनों पार्ट को। वो गाइज हाथ के पार्ट है, और गाइज मैंने पैर के पार्ट को चिपका दिया है। और फिर गाइज इसको असेंबल कर देना है। तो चलो गाइज मैं फटाक से इसको असेंबल कर देता हूँ, आप देखकर आसानी से असेंबल कर सकते हो, आप जब बनाओगे तब आपको पता चलेगा। तो इसी तरीके से असेंबल करना है, कोई जीनेस गिरी नहीं है इसमें। तो देख लो गाइज हमारे पैर एकदम मस्त तरीके से लगकर रेडी हो चुके हैं, तो देख लो गाइज अच्छी तरीके से चल पाएगा। तो फिर गाइज इसको बना लेते हैं हाथ, मतलब हाथ बना देते हैं भाई। तो इस तरीके से हाथ हमारे बनाएंगे, तो चलो गाइज इसको फटाक से जो ग्लू गन है उसको चिपका देते हैं, और गाइज इसके हाथ पैर बना लेते हैं, मतलब पैर तो हमने बना लिए भाई, ये सिर्फ हाथ। तो चलो गाइज हाथ भी हमारे बनकर रेडी हो चुके, तो इनको अब चिपका देते हैं इसके बॉडी के ऊपर। तो यहाँ पर इसको चिपका देना है, और दोनों हाथ को चिपका देना है, फिर गाइज ये हमारा एकदम रोबोट रेडी हो जाएगा। तो फिर गाइज इसके ऊपर अब मुंडी चिपका देते हैं। तो मुंडी तो हमने गाइज होममेड ही बनाई है, जो कि हमारे थर्माकोल का होता है, उसका गोल कल कर उसके ऊपर पेंटिंग की है। तो देख लो गाइज, और ऊपर बॉटल का कैप लगाए छोटे बॉटल का। तो ये मुंडी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। तो देख लो गाइज हमारा रोबोट बनकर एकदम रेडी है। तो फिर अब सिर्फ बारी है इसको हमारे कार्ट के साथ कनेक्ट करने। तो पहले तो गाइज कार्ट के ऊपर हम छप्पर बनाएंगे, ताकि हमारे आइसक्रीम पिघले नहीं भाई धूप के कारण। तो देख लो गाइज हमने इसके पार्ट लगा दिया, और इसके ऊपर एक नोटबुक का पीस कट कर लगा दिया है। और फिर गाइज फटाक से इसको रोबोट को लगा देते हैं, और गाइज चला लेते हैं, क्योंकि चलाने में गाइज बहुत मज़ा आता है। तो इस तरीके का पीस एक थर्माकोल का कट कर लेना है, कट करने के बाद इसको यहाँ पर अटैच कर लेना है। तो अटैच करने के पहले इसको थोड़ा बैटरी का कनेक्शन पिनेक्शन कर लेते हैं। तो ये गाइज हमने बैटरी ले ली है 600 mAh की 3.7 volt, इसके मोबाइल बैटरी है गाइज, इसके ऊपर हमने थोड़ी पेंटिंग करने की कोशिश की है। तो फिर गाइज इसका मैंने कनेक्शन भी कर लिया एक स्विच के साथ, और गाइज इसके हेड में एक रेड कलर की लाइट हमने लगा दी है, ताकि थोड़ा अच्छा लुक आए। तो नाइट में आपको दिखाऊंगा कैसा लगता है।
तो देख लो गाइस ये इस तरीके के नाइट से लग देता है, तो आप इसको नाइट में भी अच्छी तरीके से चला सकते हो। तो इसको भी गाइस ग्लू गन से चिपका देना है और गाइस हमारा रोबोट बनकर एकदम रेडी कंडीशन में। तो चलो गाइस इसकी फटाक से टेस्टिंग कर लेते क्योंकि टेस्टिंग में ही गाइस मज़ा आता है। तो चलो गाइस इधर से टेस्टिंग कर लेते हैं और बाद में बाहर भी टेस्टिंग कर लेने में मतलब कर देंगे। तो देख लो गाइस एकदम मस्त तरीके से वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और गाइस आप इसको बनाकर शो पीस में रख सकते हो क्योंकि इसका लुक देखो भाई कतई गजब है ना। और गाइस अब एक ऐसा बोलेगा आइसक्रीम वाले, ए आइसक्रीम वाले 5 रुपये में एक, 10 रुपये में दो, आप भी खाए अपने बच्चों को भी खिला भाई आइसक्रीम वाले, ऐसा बोलेगा। तो आप इसमें साउंड सिस्टम भी लगा सकते हो ब्लूटूथ। तो चलो गाइस आपको ये वीडियो कैसे लगे, अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।